उत्तर प्रदेश के बदायूं से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां के बाबा कॉलोनी में दो लोगों ने बच्चों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर मासूम बच्चों ने उन हथियारों का क्या बिगाड़ा था, आखिर कैसे इस घटना को हथियारों ने अंजाम दिया। उनकी दादी से पहले ये सुनिए। बहू से मेरी बोला कि मेरी बाप प्रेग्नेंट है, महिला अस्पताल भर्ती करा के आया हूँ, मेरा दिमाग परेशान, दिमाग सही नहीं है, 2-3 घंटे का टाइम दिया, पैसों की कुछ कमी है। तो हमारी बहू ने बेटा को फोन किया, बोले कि ये पैसे मांग रहा है, तो बेटा बोला दे दो, 5,000 रुपए दिए। फिर बोला कि हम ऊपर चले जाएं, मैं चले जाओ, हम चाय बना के ला रहे हैं। बड़े को ले गया, वो तो कहता भैया भैया क्या आज बाल काट, तो भैया भैया 20 वाले से हम आपको मंगाई, 1 से पानी मंगाया, पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके, और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो मम्मी ऊपर नहीं जाना। जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर, तो मैं बाहर भाग के गई। जब मैंने देखा देखा यहाँ छुरी जे खड़ी, छुरी लेके खड़ा था भाई, मैंने बाहर गेट बंद करवा दिया। फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस वाले, पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। कितने लड़के आए थे? कितने लड़के आए थे? कौन मारने के लिए? कितने लड़के आए थे? दो थे। दोनों घर में आए थे? दोनों ही आए थे, एक बाहर नीचे खड़ा रहा, एक ऊपर गया था। जो ऊपर गया था उसका क्या नाम है जानते आप? पहले देखा है उनको? मैंने खास नहीं देखा, हमारी बहू जानती है, क्यों हमारा कोई मतलब तो रहता नहीं है। मैं तो ड्यूटी करती हूँ गार्ड में, सुबह को चली जाती हूँ, शाम को मैं किसी घर जाती नहीं। इन्हीं से जो दुकान चला, तो बाल उसी से कटवाते थे बच्चे लोग हमारे, बाबा कॉलोनी के जितने जो लोग हैं बच्चे उसी से कटवाते थे। तो वो यही थी कि ये भैया भैया कहते, अरे भैया मेरा नंबर लगाओ, वो कहते भैया मेरा नंबर लगाओ, तो भैया के चक्कर में वो चला गया दोनों बच्चे मेरे। 5,000 की मदद भी की, चाय बनी रखी, तभी मेरे बच्चे ना छोड़े। आप कह रहे दुश्मनी की, मेरी दुश्मनी किसी से भी ना थी। जब आरोपी बच्चों को मार रहा था, तब तीसरा भाई वहां से भाग निकला था। बता दें कि आरोपी ने पीयूष के छोटे और बड़े भाई को उसी की आंखों के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। क्या होता आपके साथ, आपके भाइयों के साथ कौन आया था? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा, मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। अच्छा, आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं, लगी है। कहाँ लगी है? ये एक मुंडी में, सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने, ऐसा कुछ पता है आपको? आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हुआ? इस समय इस माँ पर क्या गुजर रही है जब उसके कलेजे के टुकड़े के किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हों? अपने बच्चों की मौत से माँ बेसुध हो चुकी है। बस यही बोला, भाभी मुझे पैसों की जरूरत है, 3 ग्लेचर लिए और पैसे 5,000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया, ये खड़ा रहा यहाँ पे, आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे, उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी, तब तक उसने बड़े को मार दिया, छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया, वही मेरे दोनों को मार दिया, पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया, मेरे दोनों करे दोनों मार दिया, और हम लोगों को बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर, हमने लोगों ने गेट बंद कर दिया, मेरा छोटा वाला बड़े बीच वाला वो भी भाग के आया, नीचे जा देते थे उसे भी मार देता वो,
बहुत बेरहमी से हमारे बच्चों को मारा। क्या लाया था वो? चाकू था इतना बड़ा, नुकेला था, चाकू था बहुत धार सफेद का, स्टील जैसा दिख रहा था। क्या नाम था उसका? जावेद, और उसका क्या नाम जिसने मारा मुझसे? अंदर साजिद आया था या जावेद आया था? जावेद आया था, जावेद तो वो गाड़ी पे इंतजार कर रहा था, वो भी यही था। और साजिद अंदर आया था? जब हमने गेट बंद कर दिया तभी वो भाग गया, ये पड़ गया मेरे उसमें, तो ये पुलिस वालों को बुला के मैंने इसे पकड़ा। पिता का इस मामले पर क्या कहना है सुनिए। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है ये भागा है, वो जाने बात ये है, बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब दो थे वो दोनों भाई। नहीं व्यवहार देखिए, हमने हम रहते नहीं थे यहाँ, हम मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना बाल कटवाए जाइए, व्यवहार तुम्हारा क्या करना मुझे उससे, कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है पता नहीं, हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाली तो सही है, लगा थोड़ा चोट लगी है हाथ में, वो दूसरे घर में है। इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है।